Hello guys, this is the solution video of the exercise 8.1 in which first 6 questions of this exercise we have already discussed in the last video. Now I'm starting from the question number 7, and basically this exercise is based on the quadrilateral. So 7th question, statement of the question is a rhombus is given ABCD. ABCD is a rhombus. Prove that diagonal AC bisects angle A as well as angle C, and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. ये स्टेटमेंट है अपने क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 7th है, एक रोम्बस दे रखा है एबीसीडी. चलिए पहले तो अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. एबीसीडी इज ए रोम्बस. रोम्बस ना लगे तो भी इसको रोम्बस ही कंसिडर करना है. डेफिनेशन आपको पता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल. ये स्ट्रक्चर बोल सकते हैं अपन, ये इक्वल का सिंबल मान लेता हूँ. What we have to prove for it, we have to prove the diagonal AC. पहले लेबल करता हूँ A, B, C and D. Diagonal AC bisect angle A and angle C. Similarly, diagonal BD bisect the angle B and angle D into parts. देखो, first of all क्या दे रखा हमें, given that. हमें दे रखा है एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस है. एबीसीडी इज ए रोम्बस. एबीसीडी के अपने पास एक रोम्बस है. इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है डायगनल ए सी बाइसेक्ट द एंगल ए. देखो मैं लेबल करता हूँ, यू मान लेते हैं दिस इज द एंगल 1, दिस इज द एंगल 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6, 7 and 8. हमें कुछ इस टाइप से ये सभी प्रूव करने हैं, ठीक है ना. चलिए फिर टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट अकॉर्डिंग टू द आवर स्ट्रक्चर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 and angle 7 is equals to angle. These 4 angles we have to prove equate with the another 4 angles. अब हमें इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ट्राइंगल काफी सारे बन रहे हैं. तो कंस्ट्रक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. डायरेक्ट प्रूफ फिर डिस्कस करते हैं अपन. प्रूफ क्या रहेगा इसका, प्रूफ देखो मैं एक तो देखो ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम ट्रायंगल एबीडी एंड बीडी सी. फ्रॉम ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीडीसी, ध्यान से देखना आप. फ्रॉम ट्रायंगल एबीडी, एबीडी एंड बीडीसी, ध्यान देना. एबी इज इक्वल्स टू बीसी बोल सकते हैं, सभी साइड इक्वल है. एबी इज इक्वल्स टू बीसी, साइड्स ऑफ ए रोम्बस. क्लियर. एंड दिस साइड ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दिस साइड ऑफ दिस ट्राइंगल बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. एडी इज इक्वल टू सी डी. अगेन सेम कॉन्सेप्ट, साइड ऑफ ए रोम्बस. एंड बी डी इज कॉमन इन बोथ. बी डी इज इक्वल टू BD. It is
कॉम। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, आई सेलेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ट्रायंगल एंड आफ्टर इट दिस वन ट्रायंगल, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल्स टू दिस वन एंड बी डी इज कॉमन इन द बोथ द ट्रायंगल्स। सो ऑल द साइड्स आर इक्वल, थ्री साइड्स आर इक्वल टू द अनदर थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। सो ट्रिपल एस क्राइटेरिया आई एम यूजिंग, ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। Using this criteria, we can say that both the triangle ABD is congruent to triangle. देखो AB किसके इक्वल है? BC के, तब या तो CB आएगा या फिर BC आएगा, या तो CB होगा या फिर BC होगा। फिर क्या BD? BD किसके इक्वल है? BD के ही, तो B बाद में होना चाहिए, तो ये आएगा CBD। So triangle CBD using CPCT। ध्यान से देखना, ए पे जो एंगल बना हुआ है, हमें ए और सी तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में डिस्कस करना था। तो देखो बी पे जो एंगल बना है वो बी के इक्वल होगा, तो बी पे एंगल बना है एट और हो गया सेवन। एंगल एट इज इक्वल्स टू एंगल सेवन एंड एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर। एंगल थ्री इज इक्वल्स टू फोर क्यों रहा? डी डी, तो डी पे थ्री बन रहा है और डी पे ही फोर बन रहा है, तो थ्री इज इक्वल्स टू क्या हुआ? फोर। सिमिलरली वी कैन से दैट जो बच गया वो भी लिख दो आप, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स। और यदि आप प्रूव करना चाहो तो ऐसे ही आप ये ट्रायंगल सेलेक्ट करें, इधर वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करें, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ए सी कॉमन हो जाएगा, वापस से ट्रिपल एस क्राइटेरिया अप्लाई होगा और आप यही कॉन्सेप्ट वापस से अप्लाई करके और ये रिमेनिंग टू एंगल्स हैं जो इनको इक्वेट प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। क्या दे रखा हमें? एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होगा तो सभी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। अब बेसिकली देखो, पहले स्टेटमेंट की बात करता हूँ। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगनल ए सी बाइसेक्ट द एंगल ए एज वेल एज एंगल सी ऑल्सो, देन प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो हमें रोम्बस प्रूव करना है, तो मैं रोम्बस की ही स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, क्योंकि रोम्बस भी अपने आप में क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है। ये मान लेते हैं कि रेक्टेंगल है लेकिन ये रोम्बस की सेप में, सॉरी स्क्वायर की सेप में, हमें रोम्बस नहीं स्क्वायर प्रूव करना है। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। क्या दे रखा है? ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगनल ए सी, डायगनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो वैसे तो इसमें ज्यादा कुछ प्रूव नहीं करना है, सब कुछ क्लियर है। देखो ध्यान से, हमें टू थिंग्स यहां पे प्रूव करना है। फर्स्ट गिवन क्या दे रखा है? ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। हमें इसके लिए प्रूव क्या करना? व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए, फर्स्ट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, एंड सेकेंड बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। मीन्स बी डी जो डायगनल है वो थोड़ा लाइट कर लेता है उसको, बी डी एंगल बी और डी को टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल और साथ में ये भी है, एंड ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए कॉमा एंगल सी। ए सी जो डायगनल है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है। हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है, कंस्ट्रक्शन कंपलसरी नहीं है। बात करते हैं प्रूफ की, यहाँ कर लेता हूँ। प्रूफ आपको डिस्कस करें अपन, तो देखो ध्यान से, एक तो देखो मैं ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। दिस वन फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, मैं इसको अवॉइड कर लेता हूँ।
फॉर्म ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी। इसको एंगल वन कंसीडर कर लेता हूँ, टू और ये थ्री मान लेता हूँ, ये फोर मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, इट इज गिवन, साफ दे रखा है। डायगनल ए सी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ये भी हमें दे रखा है। एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये कॉमन है। देयरफॉर एंगल देन साइड देन एंगल, ध्यान से देखना, एंगल साइड एंड एंगल ए एस ए क्राइटेरिया ऑफ कॉन्वर्जेंस। वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्वर्जेंट टू ट्रायंगल, देखो ए पे वन है तो टू भी तो ए पे ही है, तो ए फिर डी आएगा फिर सी आएगा, आप देख लेना, चेक कर लेना आप एक बार, यही आएगा। और इससे अपन क्या बोल सकते हैं, साइड ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, तो बाय सी पी सी टी ए बी इज इक्वल्स टू ए डी एंड बी सी, एंड बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन हमें प्रूव क्या करना, वट वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, ऑल द एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड द ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में एंगल्स तो 90 डिग्री होते हैं लेकिन साइड इक्वल नहीं होती है, तो हमें सभी साइड इक्वल प्रूव करनी है, बट हमें ये पता है कि अपोजिट साइड एटलीस्ट इक्वल होती है। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू, बी सी किसके इक्वल हुआ, ए डी के। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल हुई तो ये अपोजिट साइड हुई, ए बी सी डी के इक्वल हुआ, बी सी ए डी के इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, ये सेकेंड मान लेते हैं, इसको थर्ड बोल लेते हैं, एंड लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड ए डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू ए बी, तो सभी साइड क्या हो गई, हियर ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्लियर बात यहां तक, स्क्वायर होते ही आप बोल सकते हैं स्क्वायर द डायगोनल बाइसेक्ट्स। अब हमें यह भी बताना है कि बी डी इसको बाइसेक्ट करता है, तो ए आप एक, अब ये खुद से करेंगे, यू विल सेलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल दिस वन एंड देन दिस वन, आप पहले इसको भी सेलेक्ट कर लो, या मतलब आपको सक्सेसिवली एक दूसरे ट्राइंगल को सेलेक्ट करना है। ये देखो इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है ना, सभी साइड इक्वल हुई, और ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल इक्वल, तो एस ए एस क्राइटेरिया लगेगा, फिर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड वाला स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा अपना। बस इतना सा सिंपल सा केस है, आई होप सो यू अंडरस्टूड, सपोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच पी एंड क्यू टू पॉइंट्स आर टेकन ऑन द डायगोनल बी डी। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच पी एंड क्यू टू पॉइंट्स आर टेकन ऑन द डायगोनल बी डी, फॉर इट वॉट वी एंड सच वे दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हमें दे रखा है डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अब हमें प्रूव क्या करना है, we have to prove that triangle APD is congruent to triangle CQB, first thing, second AP is equals to CQ, third thing triangle AQB is congruent to triangle CPD, and fourth thing AQ is equals to CP, and last a fifth APCQ is also a parallelogram। तो काफ़ी सारे इसमें अलग अलग टाइप्स के, वेरियस टाइप्स के केस दे रखे हैं जो हम प्रूव करने हैं। तो पहले अपन ये मेंशन करते हैं कि हमें दे क्या रखा है, given that ABCD is a parallelogram
ए पैरेललोग्राम सेकेंड थिंग अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू. अब देखो वैसे आप लिख सकते हो कि डायगोनल बी क्यू और डायगोनल बी डी इज टेकन एंड एट विच टू पॉइंट्स आर सिचुएटेड सच अ वे दैट बी क्यू इज इक्वल्स टू डी पी. तो काफ़ी बड़ी लैंग्वेज हो जाएगी. तो आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए पी इज इक्वल्स टू, ए पी इज इक्वल्स टू नहीं, डी पी इज इक्वल्स टू, डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू. ये हमें दे रखा है. हमें प्रूव क्या करना है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं टू प्रूव. पहला फर्स्ट ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी क्यू सी सी क्यू बी. सेकेंड जो हमें प्रूव करना है ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू. थर्ड जो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी. फोर्थ जो हमें प्रूव करना है ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी. एंड लास्ट फिफ्थ हमें प्रूव करना है ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम. ये अपना क्वेश्चन है. क्वेश्चन एक बार फिर से प्रनाउंस करता हूँ. स्टेटमेंट इज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर टेकन ऑन द डायगोनल बी डी इन सच ए वे दैट डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू. देन प्रूव दैट ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू बी. सेकेंड ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू. थर्ड ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी पी डी. फोर्थ ए क्यू इज इक्वल्स टू बी सी. एंड फिफ्थ ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम. ये काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं जो हमें प्रूव करनी है. सो वन बाय वन आई एम स्टार्टिंग. जो हमें प्रूव करना है उसी ट्राइंगल को सेलेक्ट कर लो. फर्स्ट फॉर्म ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू सी क्यू. ध्यान से देखना ए डी इज इक्वल्स टू बी सी. ये तो क्लियर है ना. ए डी इज इक्वल्स टू बी सी बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. क्लियर. सेकेंड थिंग पी डी और डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू. डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू. दिस थिंग इज गिवन. नेक्स्ट अब देखो ये एंगल डायगोनल है ना, ऐसे करके ये एंगल इसके इक्वल होगा बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल ए डी पी, एंगल ए डी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी क्यू सी बी क्यू. ध्यान देना ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. एंगल सी बी क्यू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो भी आप बोलना चाहें. कौन सा क्राइटेरिया है, साइड देन एंगल देन साइड. एस ए एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए डी पी जो भी हमें बुक से चाहिए इसके अकॉर्डिंग चल रहे थे. ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जो भी होगा वो यही होगा सी क्यू बी. आप चेक भी कर सकते हैं. देखो डी यहाँ पे है तो डी लास्ट में आया तो यहाँ पे बी लास्ट में आएगा. बात समझ में आई. फिर यहाँ पे ए पी पहले लिया है ए पी तो ए पी तो फिर डेफिनेटली सी क्यू आएगा ना. सी क्यू की स्ट्रक्चर और ए पी की स्ट्रक्चर ये कि इनकी पोजिशन कुछ सिमिलर लग रही है. ऐसे भी चेक कर सकते हैं. और आप ये जो स्टेटमेंट है वैसे तो क्लियर तो यहाँ से होता है तो आप खुद से चेक करें ये चीज़ें. तो फर्स्ट कंप्लीट. सेकंड हमें प्रूव करना है ये वाला. हमें ये पता चल गया है ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी बाई सी पी सी टी. सी पी सी टी से अपन बोल सकते हैं क्या कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू. ये सेकेंड हो गया. थर्ड हमें प्रूव करना ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल. तो सेलेक्ट कर लो ट्राइंगल ए क्यू बी एंड सी पी डी फ्रॉम ट्राइंगल ए पी बी
एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। ध्यान से देखना, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड है ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्लियर? सेकंड क्या होगा अपने पास, बी क्यू इज इक्वल्स टू डी पी। देखो बी क्यू इस ट्रायंगल में है और डी पी भी इस ट्रायंगल में है, सॉरी बी क्यू इस ट्रायंगल में है और डी पी इस ट्रायंगल में है। बी क्यू इज इक्वल्स टू सी पी, इट इज गिवन। और अपन क्या बोल सकते हैं, ये एंगल देखो, ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट ये ऐसे साइड जा रही है और ये ऐसे है, तो ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन सा एंगल होगा, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, आई ए ए या फिर ए आई ए, जो भी आप बोलना चाहो। सेम क्राइटेरिया एस ए एस, यूजिंग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल, वी कंसिडर ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। थर्ड अपना हो गया, अब बात करते हैं फोर्थ की। इफ या फिर हियर ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी बाई सी पी सी टी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ये अपना फोर्थ हो गया, ये सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, ये हो गया अपना सेकेंड और ये फर्स्ट। अब हमें लास्ट प्रूव करना फिफ्थ। चलो इन पैरेलल, इन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी क्यू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और मैंने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में ये मेंशन करवाया था कि इफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और हम इसके रिगार्डिंग एक थ्योरम भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो ये थी कि इफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेलल क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये अपना सोल्यूशन रहा क्वेश्चन नंबर 9 का, बहुत सिंपल सा केस था, आपके समझ में आया होगा। अब अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10th विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या है, वो ये है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच बी डी इज ए डायगोनल एंड टू परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स ए इज ए पी एंड फ्रॉम वर्टेक्स सी इज सी क्यू, देन प्रूव दैट ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू डी। तो पहले तो अपन प्रूव कर, जो भी हमें है मेंशन करना वो लिखते हैं, गिवन दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी क्यू बी डी, सी क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन, ऐसे तो दे रखा ना, ए पी एंड सी क्यू आर टू परपेंडिकुलर्स ड्रोन फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी रेस्पेक्टिवली। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही हो जाएगा, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, तो सिंपलिसिटी क्राइटेरिया अप्लाई कर देंगे, जो भी हमें चाहिए वो रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। बट हाउ विल वी प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो अब बात करते हैं अपन प्रूफ की। प्रूफ देखो बहुत सिंपल रहेगा, स्मूथ रहेगा।
कैसे करेंगे, जो भी हमें प्रूव करना है उसी को सेलेक्ट कर लो फ्रॉम ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, क्लियर, फ्रॉम ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। ध्यान से हमें प्रूव करना है, हमने ये दो ट्राइंगल सेलेक्ट किए तो इनको सेपरेटली करूँ तो देखो ऐसे कर सकते हैं अपन, एक तो ये ट्राइंगल और एक ट्राइंगल हो गया ये वाला, ऐसे ही यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और इसमें यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होंगी। ये देखो ये क्या है ए बी एंड दिस इज डी सी डी एंड क्यू, ये ऐसे दे रखा है। थर्ड क्या सी, ये साइड इसके इक्वल हमें प्रूव करनी है, इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये देखो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल है इस टाइप से, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ मेंशन करूँगा फ्रॉम ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी ए पी है सॉरी ये पी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये हुआ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। और ये एंगल देखो एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी क्यू डी, ये हो गया 90 डिग्री एंड दिस इज गिवन। थर्ड एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू सी डी क्यू, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ए ए एस क्राइटेरिया, डबल एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, वी कैन से दैट दैट ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एंगल ए, ए किसके इक्वल होगा सी के डेफिनेटली, फिर पी किसके इक्वल था क्यू के, पी एंड क्यू, तो अब बी बचा है तो बी डेफिनेटली डी के इक्वल है ही वैसे भी, ये वाला। तो फर्स्ट अपना क्या हो गया प्रूफ, अब सेकंड बाइसिपिसिटी ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, और ये अपना हो गया प्रूफ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। आई होप सो यू अंडरस्टूड, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, and it is enough for the today's class. Remaining questions, maybe two or three questions are remaining, so we'll try to solve these questions in the next video. So enjoy your online classes.